कैसे हैं आप लोग? सर्वेंट का सीजन 2 आ गया है, जो एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हुआ है। सीजन 1 इसका मार्वलस था, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको हॉरर, थ्रिलर और अपना सस्पेंस जॉनर्स पसंद है, उनके लिए ये सीजन है। एम नाइट शामलन की प्रेजेंटेशन है, जो हॉरर को एक अलग अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। हम सब जानते हैं उनके बारे में, और वो क्लास लगता है। अच्छा, वो लेवल उन्होंने इसमें भी बरकरार रखा है, बहुत बढ़िया लगे हैं। हालांकि मैं ये भी अपने ऑडियंस को बता दूं कि इसके सारे एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, और इट्स कमिंग ऑन एवरी फ्राइडे, तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहे, हम भी देख रहे हैं। अभी तक जो है इसके 3 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। जी रे सर, बताइए। ओके वेल गाइस, दिस सीरीज रिटन एंड क्रिएटेड बाय टॉनी बेसगलॉफ। टॉकिंग अबाउट स्टोरी, जिन्होंने सर्वेंट का सीजन 1 नहीं देखा, उनके लिए थोड़ा सा सिनॉप्सिस हम बता देते हैं। स्टोरी एक फिलेडेल्फिया के कपल की है, जो अपने न्यू बॉर्न बेबी जेरिको की डेथ के बाद वहां रह रहे हैं। वाइफ डॉर्थी यह मानने को तैयार नहीं है कि जेरिको मर चुका, और एक डॉल को लाइक स्ट्रक्चर यूज करती है ताकि उसका लॉस को वो भूल सके। असली स्टोरी गाइस तब शुरू होती है जब वो एक मिस्टीरियस सी नैनी को हायर करते हैं उसी चाइल्ड के लिए, जो कि नहीं है, जो कि एक डॉल है। ये ध्यान रखिएगा कि जेरिको रियल में नहीं है। और लेकिन जब वो डॉरथी आती है, उनके घर में रहना शुरू करती है, तब बड़ा अच्छा लगता है कि ये दिखाते हैं कि जेरिको की डमी रियल जेरिको एक बच्चे में चेंज हो गई है। तब क्या होता है, क्या है ये माजरा कि जेरिको बच्चा कौन है, वो डॉल कहाँ गई है, और ये नैनी कहाँ से आई है, इसका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या चाहती है, तो ये सब खैर आपको देखने के लिए ये सेकंड सीजन में भी यही चीज बनी हुई है, तो देखिए और इसके मजे लीजिए। सेकंड सीजन में डॉर्थी का रियल नेचर एंड बैकग्राउंड रिवील होगा, देखने में मजा आएगा। अभी तो धीरे धीरे एपिसोड्स मिस्ट्री को रिवील कर रहे हैं। इसके मेकर मनोज नारायण शामलन बताते हैं कि शो में आपको क्रिश्चियन इमेजरी का के एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हालांकि वो खुद एक इंडियन है। और जब हम ये भी बताते हैं कि शामलन का, मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, तो एम नाइट शामलन जो है उन्होंने बताया कि डॉल के साथ काम करने में एक बड़ा ही एक मतलब अजीब सा एक एक्सपीरियंस रहता है, और उन लोगों को खुद को भी बड़ा अजीब लगता था, बड़े ही चैलेंजेस फेस करते थे वो लोग। और खैर, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें और जाएं, और ये प्लीज हमें बताइएगा कि क्या आपको भी वैसा लगा जैसा हमें लगा कि इतनी रियलिस्टिक डॉल रजत हमने नहीं देखी आज। मुझे तो लगा नहीं कि इतनी रियलिस्टिक डॉल, जो बिल्कुल बच्चा लग रही थी एक टाइम पे, इतनी रियलिस्टिक डॉल भी हो सकती है। उन्होंने बनाने वालों को हैट्स ऑफ, जो उन्होंने जिन्होंने ये डॉल बनाई। और खैर, इसके मेकर्स एम नाइट शामलन ने कमाल के एपिसोड्स बनाए हैं, और उनके साथ में और भी जो इसके डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने और भी बीच में एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, उनको भी हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा रजत, एक चीज़ और है इसमें, एक कैरेक्टर है मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम है रूपर्ट ग्रिंट। रूपर्ट ग्रिंट ये वही है गाइज, जो जो हैरी पॉटर में आप लोगों को दिखे थे, जिन उनका नाम था रॉन वीजली। और प्रोड्यूसर भी हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। तो आज अब उनका ये जो पूरा मूवीज की तरह से उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, तो वो इसमें डॉर्थी के भाई बने। तो गाइस आप देखें, ये एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है ये सीरीज, बहुत बढ़िया सीरीज है। थ्रिलर हॉरर वालों के लिए तो खैर ये मास्टरपीस में कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया सीरीज है। आप देखें और प्लीज हमें बताएं ये सीरीज आपको कैसी लगी। और इसी नोट पे हम लोग अपना वीडियो एंड करते हैं। बस हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और हम जो इतनी मेहनत से हमने जो मूवीज बनाई हैं उनको देखें, जो शॉर्ट मूवीज बनाई हैं, और लेटेस्ट मूवी हमारी लॉकडाउन का हमने एक्चुअली दो टीजर बनाए हैं, तो टीजर 1 एंड टीजर 2 अभी जस्ट रिलीज किया है हमने, उसको देखें, उसको प्लीज लाइक शेयर करें, और हमें बताइएगा कि वो कैसा लगा। ओके सर, ऑलराइट, बाय, टेक केयर।